आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के लिए परिवहन विभाग ने विशेष व्यवस्था की और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को टैक्स पेनल्टी में छूट प्रदान की है। हल्द्वानी एआरटीओ विपिन कुमार सिंह ने बताया कि लगातार वाहन बकायेदारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड के दौरान या आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को उप संभाग परिवहन विभाग ने राहत देते हुए टैक्स की पेनल्टी में छूट प्रदान की है ताकि लोग टैक्स जल्द से जल्द जमा करें। वहीं इस तरह की बकाया धनराशि में नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए उप संभाग परिवहन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में पिछले माह की तुलना में लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अधिकतर जो कोविड से लेकर अभी तक के जो मामले आए हैं और जो भी टैक्स लायबिलिटी वाले जो मामले बनते हैं उसमें हम अधिक से अधिक जो हमें अधिकार प्राप्त है पेनाल्टी में, तो पेनाल्टी में हम वाजिब कारणों की वजह से उस व्यक्ति को हम छूट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से फिर हमारे ऑफिस में वो टैक्स जमा कर देता है। जैसे कि कभी मामले ऐसे आते हैं कि जिसमें टैक्स 50,000 का बन गया लेकिन 20-22,000 या 25,000 उसका पेनाल्टी अगर पड़ जाती है तो वो अगर पैसे का इंतजाम नहीं कर पाता है तो उसमें हम वन टाइम 75% तक की पेनाल्टी, अप टू 75% की पेनाल्टी, किसी को 25%, किसी को 50%, किसी को 60% और मैक्सिमम हम 75% तक की पेनाल्टी दे देते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपना जमा कर पाए। और उससे हमारी एक तो टैक्स लाइबिलिटी भी कम होती है, टैक्स भी जमा करते हैं लोग, और जो हमारे ऊपर जो बकाया की धनराशि है जो कहीं ना कहीं आप बकाया जब हम सिस्टम में जाके चेक करते हैं तो पिछला महीना जाते ही जिसके ऊपर अगर 500 रुपये भी टैक्स अगर है वो भी बकाया की श्रेणी में आ जाता है। तो बकाया की श्रेणी में अगर हम टोटल मामले देखें तो ये मामले प्रत्येक महीने हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके सापेक्ष भी हम लोगों ने 7 करोड़ के करीब वसूली की है, तो ये भी एक अच्छा पहलू है। बाकी हम लगातार RRC पर और नोटिस पर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग इसकी बकायदे अपने इन्फोर्समेंट दलों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और तहसील वाइज हम इसकी ट्रैकिंग करके अब इनका अपडेट लेते रहते हैं कि किन्होंने वहाँ पे जो भू राजस्व की तरह वसूली होनी थी उनकी हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है। इन्फोर्समेंट सेक्शन को भी वो सारी लिस्ट देते हैं कि जिससे इन्फोर्समेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ये बकाया वाले गाड़ियाँ पकड़ी जा सकें और बाकी तहसील के समन्वय से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।